तो स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब और ऑस्ट्रेलियन डेयर डेविल्स के बीच में जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है। आपको क्लियर शब्दों में बता देंगे कि इनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है और इनको आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। ऐसा नहीं कि इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई करो, इनको भी स्मॉल लीग में ऐसे ट्राई करो, ऐसा नहीं। आपको मतलब बता दूंगा इनको स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट और इनको जीएल में ट्राई करके चलो। बाकी आप अच्छी विनिंग करना चाहते हो तो प्रॉपर वीडियो देखना पूरा शुरू से अंत तक। हाँ, आपको प्रॉपर स्टैट्स वाला वीडियो नहीं है, बट आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा कौन सा प्लेयर को आपको यूज कर टीम में यूज करना है स्मॉल लीग में, वो आपको सब बस जस्ट बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी प्रॉपर स्टैट्स वाला आपको दिन में दो ही मैचेस का बन पाएगा क्योंकि ये तीसरे चौथे मैचेस का। अभी मान लो कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब का काफी बुरा हाल है क्रिकेटर सीसी के खिलाफ। उन्होंने 6.3 ओवर में 70 रन स्कोर कर पाई है एक विकेट खोकर और इनका टारगेट चेस करना है 152 रन 157 रन का क्रिकेटर सीसी के खिलाफ से। तो इन्होंने दिन में दो मुकाबले खेले, एक डीएसटी और एक क्रिकेटर सीसी, जबकि दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट की, उन दोनों के सामने ये हार करा रही है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया डेयर डेविल्स की बात किया जाए तो ये भी काफ़ी बुरी तरह से क्रिकेटर सीसी के खिलाफ हार करा रही है। ये उन्होंने पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए क्रिकेटर सीसी ने 180 रन के आसपास रन स्कोर किया था और उन्होंने इसके जवाब में 137 रन के आसपास रन स्कोर कर पाए। तो दोनों क्रिकेटर सीसी से काफ़ी बुरी तरह से हार करा रही है और एक तो उधर से डीएसटी की तरफ से और एक ऑस्ट्रेलियन डेयर डेविल्स का भी मैच चलेगा 6:30 में, टॉस हो चुका है वहाँ पर। तो उस पर थोड़ा नज़र बनाकर रखोगे तो ऑस्ट्रेलिया डेयर डेविल्स के पता चल जाएगा कि ये प्लेयर कैसा प्रदर्शन करता है। बाकी फर्स्ट मैच में कैसा प्रदर्शन किया इसके टीम के गेंदबाज या बल्लेबाजों ने, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बात कर लेते हैं अब चलो एवरेज स्कोर का। तो इस पिच पर 147 रन है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको 147 रन आराम से बन जाते हैं। मैंने जैसे बताया था 150 के आसपास भी बन रहे हैं और यहाँ पर दोनों सेम लेवल की टीम है तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिल सकता है 140 के 150 के आसपास है। बात करते हैं टोटल विकेट यहाँ पर 47 गिरे हैं जिसमें पेसर्स ने 31 तो स्पिनर्स ने 16 विकेट पिक कर रखे हैं। तो जनरली आपको T10 के मैचेस में पेसर्स का ही डोमिनेंस देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी पेसर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। स्पिनर्स यहाँ भी बुरा हाल है, 16 विकेट सिर्फ पिक करके आ रही हैं। तो जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे अपने टीम में पिक करना, अदरवाइज उनको मिस करके आप जा सकते हो। ये विकेट बात करें तो एक बैटिंग सरफेस है जहाँ पर आपको बैट्समैन के लिए बहुत कुछ है, वहीं पर पेसर्स के लिए भी ठीक ठाक है। पेसर्स वैसे तो आर्टिफिशियल पिच है, ज़्यादा वैसे कहेंगे नहीं, बट पेसर्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। बाकी वेदर रिपोर्ट का बात किया जाए तो रैनी मौसम दिखा रहा है, बट यहाँ जो भी चार मैचेस पहले के खेले जा चुके हैं उसमें आपको बारिश का नामो निशान नहीं देखने को मिला है। 30 मैच में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिश नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म, एवरेज स्कोर और टोटल विकेट कितने गिरे हैं। बात करते हैं हेड टू हेड, इन दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलियन T10 टूर्नामेंट खेल रही है, वहीं पर ऑस्ट्रेलियन डेयर डेविल्स ने खेला है बट इनके खिलाफ नहीं खेला है एक भी मैचेस। तो आपको इस मैच में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब सब कुछ यहाँ तक डिस्कस कर लिया, उसके बाद अब बात कर लेते हैं टीम का। टीम पर डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल पर मैं डेली आपको दो टीम डेली क्या हर एक मैच का आपको दो टीम शेयर करते रहता हूँ एंड टेलीग्राम पे आपको फाइनल एंड स्मॉल लीग की टीम शेयर करते रहता हूँ। देखो मैं सब कुछ टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ बट जो ये रिपोर्ट्स आ रहा है कि इंडिया में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल का, तो इसके वजह से मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर रखा है ताकि सब लोग कनेक्ट रहें। तो आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करो ही करो बट बैकअप के लिए आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो ताकि इन फ्यूचर कुछ भी अगर टेलीग्राम को होता है तो हम कनेक्ट रह सकते हैं और आपको डेली ऐसी वीडियो और अच्छी विनिंग कराते हुए दिख सकते हैं। देखो हमने पहला मैचेस भी किया कवर किया तो उसमें हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया, दूसरा मैच भी हमारा काफी बढ़िया गया, तीसरा मैचेस भी हमने कवर किया, चौथा अभी तीसरा सॉरी नहीं कवर किया था, चौथा अभी चल रहा है इस मैच के बाद मैं उसको भी कवर करूंगा। तो देखो तीन मैच कवर करूंगा और तीन में से दो तो डेफिनेटली मेरा अल्ट्रा क्लीनशिप रहता है। तो टेलीग्राम पर रिपोर्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हो। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहां पर एच गुलाटी का काफी ज्यादा सिलेक्शन है तो आप चाहो तो इनको पिक कर सकते हो बट
हमारे पास एस महमूद, यहाँ से एस दत्त और आर मंदो जाइए, सब एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। देखो एस महमूद थोड़ी सी बैटिंग में अगर ऊपर आते हैं तो मैं इनको टीम में ट्राई करूंगा। एच गुलाटी को पता नहीं 70% लोग क्यों सिलेक्शन करके आ रहे हैं, क्या पता पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया हो इस वजह से इनको ट्राई किया, बट लास्ट मैच का कोई दिखा नहीं रहा है तो इनको अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में तो बी उमारी जो कि टीम के कप्तान हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, इस वजह से 93% सिलेक्शन है और हम भी करेंगे। टी अहमद जाई ये भी ओपनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इस वजह से मैं इनको भी अपने टीम में ट्राई करूंगा। और ये तो दरअसल गेंदबाजी भी करते हैं तो जो इनका भी दूसरा मुकाबला 6:30 बजे चलेगा उस पर आप नजर बनाकर रख सकते हो। अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए काफी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी और एक ओवर की गेंद या दो ओवर की गेंदबाजी मिल जाता है तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं टीम में पिक कर रहा हूँ। पी ओमारी नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी से तो ज्यादा उम्मीद मत करके चलना, बट नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वजह से आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं। जी संधु नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं और एक ओवर की गेंदबाजी करते हैं, पहले मैच में इन्होंने कराया था वहीं दूसरे मैच में इनको ओवर नहीं मिला, यही कंफर्म नहीं रहता कि कौन सा बॉलर कब ओवर कराएगा कब नहीं कराएगा, तो जी संधु को मैं अभी के लिए ट्राई नहीं करूंगा। बाकी एम लाखा काफी नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, भी कोई ऑप्शन नहीं बनते। जे जाफरी भी कोई बेटर ऑप्शन नहीं बनते तो इनको भी मैं अपनी टीम में नहीं ट्राई करूंगा। और पी सुरेश तो नंबर 7 से नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीनों को आप जीएल में भी मत ट्राई करना, जीएल में भी आपके लिए रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी बात कर लेते यहाँ से जो हमने ऑलराउंडर सेक्शन में डब्ल्यू मंडो जाई और ए और आई खिल, ये देखो नंबर 3 से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं और ये आपको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, इस वजह से आपके लिए एक अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं डब्ल्यू मंदोजाई को कर रहा हूँ और ए लार्क, देखो ए लार्क आपको दो ओवर की गेंदबाजी करके दे रहे हैं, इसके वजह से आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, इसके वजह से आप चाहो तो ट्राई करके जा सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको ए लार के बारे में बता दिया। एन जाफरी जो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं तो इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, मतलब बॉलिंग भी इनको एक ही ओवर मिल रहा है, मैक्स टू मैक्स है। एच डॉट सिल जो लास्ट मैच चल रहा है लॉर्ड क्रिकेट क्लब का उसमें सिर्फ इन्होंने एक ओवर की गेंदबाजी किए थे तो ये भी उतने अच्छे ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे इस मतलब मैच में, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बेटर ऑप्शन होंगे। ये दोनों तो लास्ट के मैच खेले ही नहीं थे तो इनको पिक करने का वो भी नहीं बनता और 80% सिलेक्शन है दोनों का, पता नहीं लोग क्यों पिक कर रहे हैं इनको। बाकी डब्ल्यू सालूजा मैंने इनको आपको पहले वीडियो में बताया था जब टीम इनको नहीं खिलाए थे, जो दूसरा वीडियो में लॉर्ड क्रिकेट क्लब को बताया थे, जस्ट आपको ड्रीम इलेवन में समझाया था कि डब्ल्यू सालूजा अगर खेलते हैं तो मैं अपने टीम में पिक करूंगा। भले इन्होंने इस मैच में प्रदर्शन नहीं किया बट ये दो ओवर की गेंदबाजी किया था इन्होंने, शायद एक ओवर की विकेट भी निकाला था इन्होंने, तो डब्ल्यू सालूजा को मैं अपने टीम में पिक जरूर करूंगा। हाँ वाई अब्बास भी खेलते तो भी इनको मैं ट्राई करके जाऊंगा, इनका भी 59% सिलेक्शन है बट दिन के दोनों मैच नहीं खेले थे, पता नहीं लोग इनको क्यों पिक कर रहा है इतना। बाकी मैं इनको अभी ट्राई कर लूंगा। ए सबेद ये भी दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी इन्होंने किया था तो इस वजह से मैं इनको भी अपने टीम में ट्राई करूंगा। एक के जा कुमुजा जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी और दो ओवर की गेंदबाजी आपको करके दे सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ 42% सिलेक्शन है इनका। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके पास बेहतरीन चॉइस होंगे, पता नहीं लोग इनको कैप्टन से वाइस कैप्टनसी क्यों नहीं कर रहे हैं। और ए असूर्या इन्होंने पहले मैच में 4 विकेट पिक किया था सिर्फ 2 ओवर में और वहीं पर सेकंड ओवर में इनको प्रॉपर 2 ओवर मिला और उसमें इन्होंने 1 विकेट पिक किया, तो आपको प्रॉपर बॉलिंग कर रहे हैं और प्रॉपर मतलब दो ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इनको टीम में अपने पिक किया है। बाकी एस भारती इस मैच में भी इन्होंने काफी अच्छा रन स्कोर कर रहा है और दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो एस भारती भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं और जीएल में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी इनको दे सकते हो, काफी तगड़े चॉइसेस आपके पास हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, ई रहमान को तो डेफिनेटली मैं ट्राई नहीं करने वाला हूं, एस जबदरान को भी नहीं ट्राई करूंगा, एक ओवर की प्रॉपर शायद गेंदबाजी मिलता है बट वहीं पर एस साफी का बात किया जाए तो इनको भी 1-2 ओवर की गेंदबाजी मिल जाता है, हाँ कभी 1 ओवर मिलता है कभी 2 ओवर मिलता है तो यही एक रिस्क फैक्टर है कि इनको कितने ओवर की गेंदबाजी मिलता है। और हमारे पास कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, पी सुरेश जे जाफरी एम लाखा उतने अच्छा ऑप्शन नहीं है। पी ओमारी नंबर 3 पर अगर आपको प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए तो पी अमारी आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, अगर गेंदबाज चाहिए तो एस साफी हो जाएंगे बट मैं अभी के लिए यहाँ से एस साफी को ट्राई कर ले रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे ऑप्शन है, गेंदबाजी 2 ओवर भी मिल सकता है, ये को मतलब रिस्क है बट 2 ओवर भी मिल सकता है। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो सब लोग 44% सिलेक्शन डब्ल्यू मंदोजाई को करके आ रहे हैं जो कि नंबर 4 नंबर 5 में बल्लेबाजी करेंगे, वहीं पर कुमु झा के बात किया जाए तो ये 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे तो आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन कैप्टनसी की यही होंगे मेरे
मेरे हिसाब से सब लोग डब्ल्यू मंदोजाए को करके आ रहे हैं, जो कि नंबर 4 से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करे, तो वाइस कैप्टन के लिए अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी हमारा देखो अब टीम दिखा देता हूँ जो अभी के लिए फाइनल टीम डेमो टीम बन रहा है, जिसमें मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से एस महमूद और बैटिंग सेक्शन से टी अहमद जाई, बी ओमारी, वहीं पर ऑलराउंडर सेक्शन से डब्ल्यू मंदोजाई, ए लार्क, और बॉलिंग सेक्शन से डब्ल्यू सालूजा, एस अबेड, और बात करें कुमु झा, एस साफी, ए असूर्या और एस भाटिया मैंने टीम में ट्राई कर रखा है। कैप्टनसी मैंने कुमु झा को और वाइस कैप्टनसी डब्ल्यू मंदोजाई को कर रखा है। तो ये हमारी अभी के लिए डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्योंकि देखो लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब का ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका और हार गए हैं। वहीं पर डीएडीडी की टीम ऑस्ट्रेलियन डेयर डेविल्स की टीम का मैच अभी 6:30 बजे है, तो मैच खत्म होता तो उसके बाद कुछ अपडेट आता तो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लेना और अच्छे खासे फायदे भी उठाओगे।